आज का खेल, आखिरी गोली, आखिरी गोली डाकू। करना चाहिए कि स्कूल जा गया है या नहीं। आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो सुनो मेरी बात। और योगी योगी भाई तुम जियो रहो सदा जाना चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत लगाकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक तुमसे ये नहीं मालूम किया कि आप पढ़ाई करते हैं जा जाकर शहर में घूमते हैं। भैया ऐसा मैं खया गुजरा नहीं हूँ जो अपने भाई की मेहनत की कमाई को यूं ही बर्बाद कर दूं। मैं जानता हूँ कि मेरा ऐसा भाई कोई काम नहीं करेगा जो उसके बड़े भाई का सर नीचा हो जाए। फिर भी आपसे जाना चाहता हूँ कि आपसे पढ़ाई करते हो या पैसा फोकट में लौटाते हो, और पढ़ाई का क्या हाल सच सच बताओ। जितना चाहो के भैया मैं जाना चाहता हूँ कि मेरे भाई किस क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा तो आप ये जानना चाहते हैं? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो इंटर में फर्स्ट आया तू भैया सुनो हो गई फीस भी माफ सरकार सरकार से फीस माफ हो गई और बीए में दाखिला है से है मिल गया दे दो छुट्टी मुझे भैया मैं इंटर में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, और बीए में दाखिला भी मिल गया है। अरे ये बात अब मैं वहीं पर रुक कर के पढ़ाई करना चाहता हूँ क्योंकि आने जाने में बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं जानता हूँ मेरा भाई आने जाने से तकलीफ हो रही है, इसलिए उस रुककर के पढ़ाई करना चाहते हो तो ठीक है, जाओ भाभी वहां से अपना जितना पैसा चाहो उतना पैसा ले लो और रुक करके और पढ़ाई करना। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी दिली तमन्ना यह है मैं तुझे बहुत बड़ा एक वकील बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि खेती मैं अपने हाथ से करता हूँ। खेती के बारे में तुम्हें
कुछ जाना भी नहीं है। और आपसे ये भी नहीं कहता हूँ कि आप खेती चलकर देखें। भैया ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। क्यों नहीं, लेकिन अपनी भाभी को बुला करके और उनसे भी आशीर्वाद ले लो, उसके बाद में घर जाओ। लेकिन भाभी माँ अभी तक पता नहीं, हो सकता है घर में नाश्ता बना रही हो, उसे बुलाओ और आशीर्वाद लेकर के तब पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। क्या बताऊं दोस्त, मेरा एक ही भाई है, भाई नहीं मैं अपनी औलाद की तरह इसे पाल रहा हूं, क्योंकि पिताजी के मर जाने के बाद इसका कोई साथी नहीं था, क्योंकि अभी तक कमला अपना बेटा मानती है और मैं इसे अपना भाई नहीं बिल्कुल बेटे के समान पालता हूँ, क्योंकि मैं इसे मेहनत लगा कर पढ़ा रहा हूँ और मैं समझ सोचता हूँ कि हो सकता है कोई बड़ा वकील बन जाए तो मेरा नाम रोशन हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने खेतों की तरफ चलता हूँ और उसके बाद में अपनी पत्नी से बात करता हूँ। और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती रामलाल। अबे सारे रामलाल, क्योंकि ये हमारे घर में नौकरी करता है लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। अबे रामलाल, रामलाल रामलाल, चलो खेतों की तरफ चलते हैं। खेते वर्षे आते हैं वह महाराहा भगा कान है गन्ना चरे डार दिन। अच्छा अच्छा, क्योंकि तुम्हारा पुराना मुलाजिम है। हाँ, मुलाजिम है, मैं अपने तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ। हाँ सही है भैया, और हम तुम हमका भाई मानते तो हम कहाँ तुमका दुश्मन से कम मानित। ये बात क्या मानते हो, कहाँ दुश्मन मानित। ये बात सही है, मैं दुश्मन मानता हूँ। हाँ यार, यह बात कहा। और अच्छा अच्छा ठीक है, यदि खेतों की तरफ से आ रहे हो। हाँ, तो हो सकता है कमला खाना ले आई हो। हाँ, कमला खाना लेकर के खेत को आएगी। हाँ हाँ, दवाज भौजी भिल्ला में खाना क्या लाए, खाना उना लाऊं फिर देखा। खाना नहीं खाया तुमने? हाँ खाना नहीं खाया, भला पूछे हो खाए। अरे घर से तो खा करके आया था तू। हाँ नहीं सही है, तो भैया घर से तो खा गए बगरन 11 बजे चल दिया रहा। अच्छा अच्छा, और का तो ठीक है, अभी खाना आएगा और वहीं पर नाश्ता किया जाएगा। हाँ लेकिन ये अपने खेतों में पानी लगाने वाला है। हाँ ये है, चलो इंजन लेकर के और अपने खेतों में पानी लगाया जाए। ठीक तो रही, पहले हम पाइप कहाँ बिछाई। ठीक है, आप पाइप डालिए। हाँ। और जब खाना आ जाएगा तो मैं बुला लेंगे हम। पक्का पक्का। क्योंकि मैं खेत में काम करता हूँ, लेकिन बीवी हमारी कमला कहती है घर से मत जाओ, उसकी याद मुझे सताती रहती है। हेलो, और दिल किसी से क्या लगता है कमला आ रही है, मैं उससे बातचीत करते हैं उसके बाद में कुछ गुनगुनाएंगे। से हुआ मैं बुलाती खड़ी कब से हुआ आपको, मेरी बातों पे तो ध्यान
आप चबेना लेकर के आई है और कहती इतनी तीज दोपहर में आप काम कर रहे हैं और मेरे पुरखान है और खूब मेहनत किया मेरे पुरखान है। और अपना बसर और हिंद का शेर हूँ खूब मेहनत कर हिंद का शेर कहते हैं इतनी ठीक दोपहर में काम कर रहे हैं जी हाँ। मेरे पुरखों ने खूब मेहनत करके और अपनी खेती बाड़ी संभाला है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। आप ऐसा करिए, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? देर ज्यादा होगी। चलके आप सबसे पहले खाना खा लीजिए। अच्छा, और आप कुछ मुस्कुरा रहे हैं और बता रहे हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कैसी हाँ, बात है? तुम आजकल बहुत शरारती हो गए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस उम्र में शरारत को करना मर्दों की बात है। कमला पहले आकल के खाना को खा लीजिए, बाद में काम करना है हजारी पिया। एक ही बच्चे की माँ बनने वाली बच्चे की माँ बने और क्या कहा हाल बालो ए मुन्ना मेरा, क्या कहा हाल बालो। मुन्ना मेरा हाय भगवान महमा निराली तेरी, लाबो जल्दी से खाना खिला दे मुझे, बात सुनकर खुशी दिल हमारा हुआ आपको जल्दी। लाबो जल्दी से खाना और खिलाबो मुझे, बात सुनकर खुशी दिल हुआ है। लेकिन कमला आज ऐसी खुशी का दिन है, आप कहती है एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि जब तूफान गोद में था तो उसे अपना बच्चा मान करके उसे लालन और पालन किया, लेकिन अब तो बड़ा हो गया और आज छोटी सी और नन्हा सा बच्चा आने वाला है। जल्दी से खाना खिलाओ, आज बहुत मेरा दिल खुशी है क्योंकि खुशी से मैं समा नहीं रहा हूँ। लोग कहते हैं और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर बार,
सरगी से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर हम पर रहे सदा ही बरसता सदा तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार न रूठे किसी के घर पर न छूटे आराम करो आ जा ठीक है गदगद बनी रहा है बहुरिया अरे चाचा जी अरे आज अचानक हमारे खेतों की तरफ अरे बेटा तेरा यह परिश्रम देखकर हमारा दिल बहुत परेशान रहता है अच्छा मैं कुछ कहना चाहता हूँ यानी हमसे कहना चाहते हो जी हाँ तो ठीक है एक कमला जब तलक हम चाचा जी से बात करते हैं तब तलक उस पेड़ की से आराम करो चाचा जी आज अचानक हमारे खेतों की तरफ इसका कारण क्या है अरे बेटा और तेरी देख मेहनत बिकल दिल हमारा तेरी देख मेहनत तेरी देख मेहनत बिकल दिल हमारा ताजुब हो रहा है जी हाँ कि रणवीर सिंह इतनी मेहनत कर रहा है बहुत परेशान लगते हो सुनो मैं आपसे क्या कहना चाहते हूँ और कारम में हमारे लिखा जो बिधाता लिखा होता है कोई नहीं चाल सकता है बेटा कहते तदबीर और तकदीर दोनों अगर साथ देती तो इंसान कभी दर बदर की ठोकरें नहीं खाता नहीं चाचा जी यदन एक बेटा हमारे निहारा यदन एक मेरे बेचारा है बेटा कहा मानो आप हमारे लिए एक बेचतर विचार करके लाए अगर हमारी बात मानो हमारे कहने अनुसार चलो अच्छा तो किस्मत सब बदल जाएगी अच्छा यानी तुम्हारी बात अगर मान लूं तो हमारी किस्मत बदल जाएगी और यह दल क्या बेचारा चाचा बताओ
संस्कार करके लाए हैं जो हमारी किस्मत बदल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, अगर हमारी बात समझ में आ जाए अच्छा? तो पॉकेट में रख लेना, और अगर ना बात समझ में तो हमारी बात वापस कर। चाचा जी, तुम क्या समझते हो कि मेरे पिताजी के मर जाने के बाद आप हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं? मैं अपने पिता के समान तुम्हें समझता हूँ। अरे तो बाप का भी कर्तव्य है बेटे को अच्छा रास्ता दिखाना, यही बात है। तो ध्यान से बोल और बेटा हमारी सुनो, ध्यान से बोल बेटा। ध्यान से बोल बेटा हमारी सुनो, बड़ी मुश्किल से ये पेट भरना पड़े। अच्छा, आजकल खेती में फायदा कुछ नहीं, आजकल खेती में फायदा कुछ नहीं, मुफ्त में काफी मेहनत ये करनी पड़े। आजकल खेती में बिल्कुल फायदा नहीं, देखो बेटा अब बताएं, अगर एक बीघा खेती में बीज डालकर फसल उगानी हो तो सर्वप्रथम कम से कम 4,000 रुपया एडवांस लगाओ। ये बात तो तुम्हारी हमारी समझ, और उसके बाद फसल पैदा हो या ना पैदा होने के बावजूद जानवर चल जाते, कोई फायदा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन एक बात है, और मेरे पुरख खूब मेहनत किया, मैंने खूब मेहनत किया, पर उसी का हुआ है और मुझ पे असर है, और हिंद का शेर हूँ खूब मेहनत कर। मेरी एक सलाह है यही बेटा जी, हमारी सलाह है इसको बेच दो और मुंह मांगी कीमत लो, साजा जी इससे कोई बिजनेस कर लो। अरे वो बात तुम्हारी सही है, हाँ। लेकिन पुरखों ने बचा करके इसे हमारे लिए रखा। अच्छा, और मेरे पुरखों बचा करके रखा चचा, मेरे पुरखों ने इसको करके रखा चचा, बेच सकता नहीं इसको। और रणवीर सिंह और चाहे दुख में कटे चाहे सुख में कटे, चाहे दुख में कटे चाहे सुख में कटे, बेच सकता नहीं इसको रणवीर सिंह। इसे बचा करके रखा है, मैं अपने पुरखों की जमीन बेच दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। कर्ज कहना नहीं मानोगे तुम यहाँ, कर्ज कहना नहीं, देख कर्ज कहना हमारा न मानोगे तुम, देखना एक दिन बहुत पछताओगे। कब्जा जबरन भूपिंदर शंकर ले गया हाथ से, ये तुम्हारे निकल जाए अपनी और पिछली जुबा रोक ले